सब्सक्राइब कीजिए बीजीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके सहारनपुर की राजनीति से जुड़ी हुई हर वीडियो और न्यूज सबसे पहले। गंगा विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार नेता भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं। हाल ही में कभी कांग्रेस के विधायक रहे और चौधरी परिवार के सदस्य डॉक्टर सुशील चौधरी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। प्रदेश अध्यक्ष गंगो में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में चौधरी डॉक्टर सुशील के घर पर पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। और आपका प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सौभाग्य का ये भी विषय है कि आज क्षेत्र के अध्यक्ष अश्विनी त्यागी जी और क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय विजय बहादुर पाठक जी भी यहाँ मौजूद है। इस चुनाव के प्रभारी आदरणीय विजय पाल तोमर जी मौजूद है, हमारे जिला अध्यक्ष भी मौजूद है और सभी की उपस्थिति में माननीय योगी जा रहे हैं। उस दिन मंच पर भी आपको आदरणीय पाठक जी से मैं एक बार मंच पर भी आपको सम्मान मिले और माननीय हमारे एमएनसी क्षेत्र के नेता इस पूरे मेरठ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश उसके नेता आदरणीय बीरेन सिंह जी भी इस मंच पर उस तक उपस्थित है। वास्तव में पार्टी का सौभाग्य है कि आप जैसे लीडर इस पार्टी में आ रहे हैं, जिसके कारण पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा, पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। अब आदरणीय सुशील जी के आने के बाद मैं 100% कह सकता हूं कि अब यह सीट कोई रोक नहीं सकता कमल के खिलने से और कमल जरूर खिलेगा। सुनिए क्या कुछ कहा डॉक्टर सुशील चौधरी ने। इंद्र सिंह जी, आदरणीय त्यागी जी, हमारे सांसद महोदय, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। इजाजत लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी में जाने की घोषणा करता हूँ। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपका आना 21 तारीख में बक्सर से निकलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के एक किसान उड़कर वोट पड़ना चाहिए और 24 तारीख में निश्चित आपके विजयी होगी। जय। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए बीजीटी न्यूज़ को।